नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। प्यारे मित्रों, सभी को जय सियाराम, जय माता दी। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि घर में देखा गया है कि बहुत से लोग काफ़ी मूर्तियों को रख लेते हैं, तो उन मूर्तियों से हमको लाभ नहीं बल्कि हानियां प्राप्त होने लगती हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से पूजा के क्रम में कौन कौन सी मूर्तियों को रखना चाहिए और किस तरह से हमको करना चाहिए पूजा। सबसे पहले बात करेंगे भगवान शिव की। भगवान शिव की दो शिवलिंग अपने घर में नहीं रखने चाहिए। भगवान गणेश के तीन स्वरूप, गणेश प्रतिमा एक साथ मंदिर में नहीं रखनी चाहिए। दो शिवलिंग और तीन गणेश प्रतिमा एक साथ में नहीं रखनी चाहिए। मित्रों, नर्मदा नदी से आपने देखा, गंडकी से, कि शालिग्राम जी प्राप्त होते हैं, तो शालिग्राम जी की बहुत बड़ी सी बटिया नहीं रखनी चाहिए। जितने घर के अंदर जितने छोटे शालिग्राम जी की प्रतिमाएं होंगी, उतना ही आनंद है, उतना ही मंगल होगा। मित्रों, हम रखते हैं अपने घरों में भगवान विष्णु स्वरूप शालिग्राम जी को, और जब शालिग्राम जी को रखते हैं तो बहुत बड़े नहीं, जितने छोटे आकार में शालिग्राम जी आपके घर में होंगे, उतना ही आनंद आपको होगा। इसके बाद जब हम कोई पूजा करते हैं, कोई मंगल कार्य करते हैं, या अपने घरों से हम जहां हम काम करने के लिए जाते हैं ऐसे स्थान की ओर भी चलते हैं, स्नान इत्यादि करने के बाद में सबसे पहले हमको भगवान के पास जाकर के अपने मस्तक पर कुमकुम का टीका लगाना चाहिए। कुमकुम का टीका लगा करके जब हम अपने घरों से निकलते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा हमारे शरीर के पास में आकर के भी हमसे दूर हो जाती। क्यों? क्योंकि हमने अपने मस्तक पर कुमकुम लगा रखा है। मित्रों, पूजा में कभी भी टूटे हुए चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अक्षत अर्थात टूटा हुआ चावल पूजा के योग्य नहीं होता है। मित्रों, इसके साथ ही जब हम किसी को पानी, दूध, दही, घी आदि कुछ भी देते हैं या पूजा में भी प्रयोग करते हैं, तो उसमें हमको नाखून अर्थात उंगली नहीं डालनी चाहिए। उंगली डालने से, नाखून का टच होने से वह वस्तु अपवित्र हो जाती है, दूसरे को देने के योग्य नहीं रहती है। तो ऐसी वस्तु जब हम स्वीकार नहीं कर सकते तो देवता कैसे स्वीकार करेंगे। इसके साथ ही मित्रों, तांबे के बर्तन में दूध, दही, पंचामृत नहीं डालना चाहिए। अगर ये एक साथ डाल दिया जाता है तो यह सब एक विष की गणना में आ जाता है, जहर बन जाता है, और जहर बना करके किसी भी देवता को समर्पित अर्पित समर्पण नहीं किया जाता। मित्रों, कुशा के अग्रभाग से जो कुशा होता है उसके आगे का जो भाग होता है उस भाग से कभी भी देवताओं को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। और इसके बाद मित्रों, कभी भी देवताओं को अंगूठे से रगड़ करके स्नान नहीं कराना चाहिए। इन सब बातों के साथ साथ एक बात और आपको बताता हूँ कि भगवान को जब हम चंदन लगाते हैं तो जिस पात्र पर, जिस सिल पर हम चंदन को घिसते हैं, चंदन की लकड़ी को घिसते हैं, उससे उठा करके हमको चंदन नहीं लगाना चाहिए, वरना वह स्थान, वह चंदन जूठा हो जाता है। किसी कटोरी में रख करके फिर भगवान को चंदन हमको लगाना चाहिए। और अंत में एक बात आपको और बताते हुए कि हम सभी लोग करते हैं भगवान की आरती, परंतु क्या हमको ज्ञान है, क्या हमको पता है कि भगवान की आरती किन किन स्थानों पर कितनी कितनी बार हमको करनी चाहिए? अगर आपको पता है तो बहुत अच्छा, नहीं पता है तो आप जानने का
प्रयास करें। भगवान के चरणों की आरती सबसे पहले की जाती है और वह आरती 4 बार की जाती है। इसके बाद 2 बार भगवान के नाभि क्षेत्र की आरती की जाती है और इसके बाद 3 बार भगवान के मुख की आरती की जाती है और 7 बार फिर पूरे अंग की आरती भगवान की जाती है। ऐसे जब हम करेंगे तो भगवान हमारी उस पूजा को स्वीकार करते हैं और हमको मनोवांछित फल की प्राप्ति कराते हैं। फिर हम आपसे मिलेंगे, तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। सभी को जय सियाराम, जय माता दी, जय माँ गंगे।